रामपुर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के गंगापुर निवासी एक युवती आज अपने परिजनों सहित एसपी दफ्तर पहुंची और अपने पति सहित ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। युवती ने ससुराल वालों के खिलाफ एसपी को दिया प्रार्थना पत्र। बहरहाल एसपी शिवहरि मीणा ने कोतवाली सिविल लाइन को जांच कर उचित कार्यवाही करने के आदेश दिए। अब आगे की कार्यवाही पुलिस जांच के बाद ही कर पाएगी। क्या नाम है आपका? अर्चना सैनी। क्या मामला है आपका? मैं 6 वर्ष की थी, मुझे ले गए थे अपने घर पालने के लिए। माँ मुझे पाला था, मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई थी 12 साल की। मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगे। मेरे नरेश वो पति है, दो देवर राकेश दिनेश, वो दोनों भी करते थे। वे ससुर जी जबरदस्ती उनसे कराते थे। राम बहादुर चमेली वो मेरी सास है, वो भी करवाती थी जबरदस्ती, उंगली करती थी मेरे भी। वो सहारा देती थी लड़कों को कर, बहुत गंदी गंदी मेरी वीडियो बनाई थी, नंगा कर करके मेरी वीडियो मुझे दिखाते थे। मुझे डराते थे कि ये है तेरी वीडियो, इसे फेसबुक व्हाट्सएप के द्वारा सब मैं सेंड करूँगा नेट पर। मुझे डरा रखा था, इसलिए मैंने अपनी इज्जत के मामले में मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे धमकाते थे, मुझे मारते थे। मैं इसी भाई मेरी मदद भी किसी ने नहीं करी। थाने में गई थी पुलिस महिला थाने में, उन्होंने भी कह दिया था यहाँ पर ऐसी खबरें मेरे पास आती रहती हैं, ये भगवान से ये तो रोज का काम होता है, आप ऐसा है इनसे पैसे ले लो और अपने पति को छोड़ दो, 7 लाख रुपए ले लो और अपने पति को छोड़ दो। बताओ मेरी 7 लाख रुपए लेके मेरी इज्जत वापस आ जाएगी? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं, मुझसे शादी कौन करेगा बताना। तुम्हारा नाम क्या है? अर्चना सैनी। पिताजी का नाम? राम बहादुर। कहाँ की रहने वाली हो? गंगापुर। गंगापुर। अच्छा, ये लड़के का क्या नाम है? नरेश। कहाँ का रहने वाला है ये? पंजाब नगर। अच्छा, इसके पिताजी का क्या नाम है? राम बहादुर। अच्छा, उन्होंने शादी की थी आपके साथ? हाँ। कोई साक्ष्य है शादी का? येगा, येगा।